देशु। हम हमारे मन चिंतन शुरू करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के पवित्र नाम पर, आमीन। सबको देशु। प्रभु हमें एक सुंदर सी बात सिखाते हैं इस दुनिया में। लूकस के सुसमाचार में अध्याय 16 के 19 से लेकर 32 तक आप पढ़ेंगे धनी और लाजरुस का दृष्टांत। एक अमीर व्यक्ति था जो हमेशा अपने मलमल के और अच्छे कपड़े पहनकर धनी रहता था। उसके घर के बाहर लाजरुस नामक एक कंगाल रहता था। धनी कभी उन पर ध्यान नहीं दिया और उनका तिरस्कार किया, अवहेलना किया। प्रभु जब मरते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, प्रभु लाजरुस को, मतलब उस कंगाल को स्वर्गराज में ले जाते हैं और धनी को दंड देते हैं, कठोर दंड देते हैं। अक्सर प्रभु इस दृष्टांत को, अमीर और लाजरुस के इस दृष्टांत को, फरीसी और नेतागण जो प्रभु का हंसी उड़ाता था उनके लिए बोलते हैं। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 के 13 में, जब प्रभु ने कहा आप दो व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकेगा, आप या फिर एक को स्वीकार करेगा दूसरे का तिरस्कार करेगा। दो व्यक्ति धनी और प्रभु दोनों बराबर नहीं होता, इसे ये आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये सारी बातें जब प्रभु शिक्षा देते हैं तब लोग उन पर हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा के मुताबिक धन संपत्ति प्रभु का देन है। जिसे धन संपत्ति प्राप्त है वो प्रभु के शिष्य है, प्रभु के बंदे हैं, इसलिए प्रभु उन्हें धन संपत्ति देता है। और गरीब जो है प्रभु उनका तिरस्कार किया है और उन्हें प्रभु दंड देते हैं, इसलिए वे गरीब पैदा हुए हैं, गरीब जीवन बिताते हैं, गरीबी में जीवन बिताते हैं। प्रभु इस शिक्षा की अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हुए ये दृष्टांत लोगों को सुनाते हैं। कहते हैं प्रभु के प्यारे जो हैं, प्रभु गरीब लोग प्रभु के करीब रहते हैं, वे प्रभु के प्यारे हैं। जो पिछले हफ्ते में हमने सुना, प्रभु के अपने लोग गरीब होते हैं। प्रभु के बंदे वे होते हैं जो जिनके पास धन 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 दौलत ज्यादा नहीं है। इस बात को हमारे जीवन में आज स्वीकार करने की जरूरत है। और जब हम अपने आप को गरीब समझते हैं, अपने आप को बड़ा ऊंचा नहीं रखते हैं, तो हम प्रभु के बन जाते हैं। इस महान शिक्षा को आज हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रभु फरीसियों को चेतावनी दे रहा है कि तुम्हारा ये सुख संपत्ति का ये जीवन, अब जो तुम यहां बिता रहे हो, स्वर्ग में तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलने वाला। हमारा जीवन की तुलना आज हम करने की जरूरत है प्रभु के इस सुसमाचार से। आज हमारे जीवन की तुलना करने की जरूरत है। मेरे जीवन सुख चैन में, धन संपत्ति में यदि मैं बिता रहा हूं आज, तो कल मुझे दंड मिलेगा, स्वर्गराज का वारिस मैं नहीं बन जाऊंगा। क्योंकि वो इसलिए है, लाजरुस को, जिसका नाम धनी का नाम नहीं लिया गया इस दृष्टांत में, लाजरुस का पहचान है, लाजरुस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो कंगाल था और उसके पास धन दौलत गरीब था, कुछ नहीं था, लेकिन उसको उसकी पहचान है। यदि कल हमारी पहचान होना है तो धन दौलत पर आश्रित ना रहिए। मेरा जीवन कैसे मैं बिताता हूं दुनिया में, प्रभु को समर्पित हमेशा। लोग कहते हैं ना, ऊंचाई को हासिल करना, ऊंचाई में जाना, धन है तो और एकत्र करना, इकट्ठे करना, ये सारी बातें हमारे जीवन को नष्ट करेगा। प्रभु इस शिक्षा को लूकस के सुसमाचार में, इस धनी और लाजरुस के दृष्टांत द्वारा हमें सिखाते हैं। यदि हमारा जीवन सुख चैन में, आनंदमय उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए मैं भी भागदौड़ में लगा हूं, तो प्रभु कहता है तुम स्वर्गराज के स्वर्ग की संतान, प्रभु के अपने बंदे नहीं बन सकते। पहले पाठ में आप सुनेंगे लेवी के ग्रंथ में अध्याय 23 में,
आप उसमें पढ़ेंगे 42वें वाक्य में प्रभु कहता है, तुम अपने लोगों को ये शिक्षा दो, वे एक सप्ताह शिविर में रहेंगे, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने जब मिस्र देश से निकला था तब वे शिविरों में रहते थे। बोलना नहीं चाहिए। तुम भी इसराइल की संतानों को बताओ कि शिविर में वे एक सप्ताह तक रहेंगे, तंबू में रहेंगे, शिविर का पर्व मनाते हुए प्रभु सारे लोगों को यह मनाने के लिए अनुदेश देते हैं। कहते हैं इसका तुम पालन करोगे, एक सप्ताह तक इसराइल की सारी जनता, सारे संतान शिविर में रहेंगे, क्योंकि उसकी यादगारी में, क्योंकि उनके पूर्वजों ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार जब मिस्र देश से बाहर आया था तंबू में जाकर। बोलना नहीं चाहिए पूर्वजों की दिन, बोलना नहीं चाहिए। एक सुंदर सी बात यह है, यौहन पॉल द्वितीय के एक आखिरी किताब है, 2005 में उसने लिखा, मेमोरी और आइडेंटिटी, स्मृति और पहचान, मेमोरी और आइडेंटिटी। उसके अपने किताब में ये बताते हैं, हमारा याद इतिहास बन जाते हैं, हमारा जीवन जो हम याद करते हैं ना, हमारा इतिहास बन जाता है, हमारे पुराना जीवन वो इतिहास बन जाता है, और पुराने जीवन की स्मृति सदैव बना रहता है ना, ये स्मृति जो बना रहता है मेरे अंदर, वो इतिहास बन जाता है। तो हमारी स्मृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में जो स्मृति आ गई है, हमारे जीवन में जो पुरानी बातें जो घटित होकर चला गया है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। वो मेरे लिए इतिहास बन जाता है, वो इतिहास प्रभु बनाया है। जॉन पॉल द्वितीय इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रभु ने मेरे जीवन का इतिहास बनाया है, जो मेरे लिए यादगार बन गई है, मेरे लिए मेरे जीवन का इतिहास यादगार बन गई है, वो प्रभु द्वारा निर्धारित है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, इस बात को कभी भूलना। जब इंसान इस यादगारी हमारे जीवन में है ना, वो जो इतिहास बन गया है वो प्रभु से संबंधित नहीं रखते हैं, तब हम पाप में जीवन बिताते हैं। जब हम प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, मेरे जीवन का हिस्सा प्रभु ने बनाया, प्रभु ने जोड़ा है, जो कुछ मुझे मिला प्रभु से मिला है, जब मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, अपने जीवन में पहचानता हूं, जो इतिहास बन गया मेरा जीवन वो प्रभु द्वारा निर्धारित है, जीवन सुखमय बीतने लगेगा। यूरोपीय यूनियन के लिए जॉन पॉल द्वितीय लिखते हैं और कहते हैं कि सामूहिक चेतना जो यूरोप का लोगों का बना है, यानी कि उनके चेतना जो अच्छाई और बुराई के प्रति चेतना क्रिश्चियनिटी में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो चेतना अच्छाई और बुराई का उनके अंदर उत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा ही वे अपने जीवन में तरक्की पाए, उन्नति पाए, लेकिन ये उनकी स्मृति है, ये जानते हैं, लेकिन वो इतिहास बन गया है, उसको स्वीकार जब नहीं करेंगे, जब वो प्रभु की इच्छा के मुताबिक हुआ, उसे आप अपनाएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, अपने जीवन में गलती करते हैं, अपने जीवन में गलती करते हैं। इसलिए जो यादगार बनी हुई है मेरे जीवन में, वो जो इतिहास बन चुका है, वो मेरे लिए प्रभु द्वारा निर्धारित प्रभु की योजना है। पहले पाठ में भी लेवियों के नाम पत्र में, लेवियों के ग्रंथ में अध्याय 23 उसके 33 से लेकर आप पढ़ेंगे, शिविर पर्व का आयोजन करने के लिए प्रभु मूसा को अनुदेश देते हैं। इसका आयोजन तुम करोगे, लोगों को बताओ कि उनके पूर्वजों ने शिविरों में रहा करते थे। भूलना नहीं चाहिए हमारे जीवन में, हम अब जीवन बिताते हैं तो भूलना नहीं, प्रभु इस बात को, इस प्रभु की शिक्षा को, तरक्की करना, बढ़ते जाना, ऊंचाई को हासिल करना, उड़ते जाना, ये प्रभु की शिक्षा नहीं है भाइयों, प्रभु की शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रभु को देखना, मेरे जीवन प्रभु निर्धारित करता है, उसके मुताबिक चलना,
यह प्रभु की शिक्षा है, यह बाइबल की शिक्षा है। हम इस बात को स्वीकार करेंगे और लाजरुस और धनी के दृष्टांत द्वारा प्रभु लोगों को बताते हैं कि धनी लोग दरिद्रपन में भूखे रहते हैं, लेकिन वे यहां पर उनको सुख संपत्ति सब कुछ मिल जाता है, बाद में वहां पर उन्हें तिरस्कार मिलेगा। हम ऊंचाई की हासिल में लगे रहते हैं, ऊंचाई को पाने के लिए, उसके हासिल करने के लिए लगे रहते हैं, तो शायद प्रभु को हम भूल जाएंगे। इसलिए प्रभु निर्धारित करता है, और प्रभु जब निर्धारित करता है तो मुझे उसे उसमें शामिल होना चाहिए। शामिल कैसे होगा? सामान्य जीवन बनाए रखने से, सामान्य जीवन, सरल जीवन को अपनाने से। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, ये प्रभु की शिक्षा है। सरल जीवन, सामान्य जीवन प्रभु का हित है। ऊंचाई को पाना और धन इकट्ठे करना, कमाना और धन के प्रति लालच रखना, यह हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए प्रभु के सुसमाचार आज हम स्वीकार करें और सामान्य सरल जीवन के प्रति उत्साह, निष्ठा और चेतना बनाए रखना। वो हमारे जीवन को अच्छा, नेक, सुंदर और फलदायी बनाएगा। आज के परिवेश में और स्थान स्वामी का उदाहरण सरल जीवन का एक उत्तम उदाहरण है। हम जानते हैं फिलहाल ही हमसे विदा लिए स्थान स्वामी ट्राइबल लोगों के लिए बहुत ही कार्य किया, और आदिवासी लोगों के लिए जितना कार्य उसने किया शायद लोग उसे नहीं अपनाया, नहीं पहचाना, लेकिन प्रभु ने उसे महान बनाया। उनके जीवन में दुख आई, जीवन में संकट आए, लेकिन प्रभु ने उसे महान बनाया, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सरल रीति से बिताना चाहा और आदिवासी लोगों के बीच रहकर अपना जीवन को धन्य बनाया। तो ये हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है। इस तरह जीवन बिताने वाले प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं। तो फादर और सिस्टर, हम लोग भी ये विशेष रूप से ऐसे मनोभाव को अपनाने की जरूरत है जिसे प्रभु महान बनाता है। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं, आप सभी को अनुग्रह और आशीर्वाद देता हूं, ताकि हम सब सरल जीवन को अपनाएं और सामान्य जीवन बिताने में हमारा दिल और दिमाग लगाकर सरलता का जीवन बिताने में प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद और अनुग्रह प्रदान करें और हमारे जीवन में धन दौलत के प्रति निष्ठा, इच्छाएं छोड़कर सरल जीवन की ओर बढ़ने की कृपा सबको प्रभु प्रदान करें। सबको प्रभु की कृपा और आशीर्वाद। सबको जय श्री।